क्योंकि गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप YouTube पर हाउ टू हैक YouTube एल्गोरिथम सर्च करना बंद कर देंगे और यहाँ तक कि आप इस टॉपिक के बारे में दोबारा कभी सोचेंगे भी। और ये टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन पर काम करो जैसी बकवास बातें तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, बल्कि आपको एकदम जेन्युइन सच प्रैक्टिकल और सीक्रेट चीज बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये प्रॉब्लम हर एक छोटे यूट्यूबर के दिमाग में हर सेकंड आता है और इसीलिए वो हर बार अपने YT स्टूडियो को रिफ्रेश करके देखता है और फिर ये सोचता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे ही वीडियोस पर व्यूज क्यों नहीं आते हैं, और अगर गलती से व्यूज आने भी लगते हैं तो दो दिन के बाद ही आखिर व्यूज क्यों रुक जाते हैं, जबकि दूसरे यूट्यूबर के व्यूज तो मिलियंस में आते हैं। और फिर यही सोच करके वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, डीमोटिवेट हो जाता है, यूट्यूब पर वीडियोस बनाना बंद कर देता है और फाइनली YouTube से क्विट कर देता है। लेकिन दोस्तों अगर आप सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो न ही आप YouTube पर सक्सेस होंगे बल्कि YouTube का एल्गोरिथम भी आप हैक कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों सेम सिचुएशन और सेम कॉन्सेप्ट से Netflix जैसी बड़ी कंपनियां भी गुजर चुकी हैं और वहां से उन्होंने अपने आप को निकाला भी है। दोस्तों मिस्टर बीस्ट से लेकर के हर बड़े यूट्यूबर की लाइफ में ये सीक्रेट फेज जरूर आया है और इन सारे बड़े यूट्यूबर्स का करियर ग्राफ भी सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। और दोस्तों इस कॉन्सेप्ट का नाम है हॉकी स्टिक ग्रोथ। दोस्तों हर यूट्यूबर इसी हॉकी स्टिक ग्रोथ पैटर्न से गुजरा हुआ है। होता क्या दोस्तों कि शुरुआत में सभी यूट्यूबर्स इसी फेज से गुजरते हैं, शुरुआत में उनके कोई भी व्यूज नहीं आते हैं लेकिन वो वीडियो पर वीडियो डालते चले जाते हैं, मेहनत करते चले जाते हैं, नहीं रुकते हैं और फिर भी उनके वीडियो पर व्यूज नहीं आते हैं। लेकिन अचानक एक दिन उनके व्यूज आना शुरू हो जाते हैं और उनके करियर का ग्राफ सडनली ऊपर चला जाता है। और यही सेम चीज आपके साथ भी होगी दोस्तों, लेकिन तो आपको भी हॉकी स्टिक ग्रोथ को फॉलो करना होगा। अब सवाल दोस्तों ये आता है कि आखिर हॉकी स्टिक ग्रोथ होता क्यों है? तो दोस्तों इसका भी एक रीजन है जिसे कहते हैं ACM, मतलब ऑडियंस कंटेंट मैच। तो दोस्तों होता क्या है कि YouTube का एल्गोरिथम कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है और वो आपके लिए हमेशा करेक्ट व्यूअर को फाइंड आउट करने की पूरी कोशिश करता रहता है। क्योंकि दोस्तों YouTube को भी अल्टीमेटली पैसे कमाना, और दोस्तों YouTube तभी कमा सकता है जब आप उन्हें कमा करके देंगे, और इसीलिए YouTube आपको ज्यादा सपोर्ट करता है, नए यूट्यूबर्स बनाने के लिए सपोर्ट करता है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि शुरुआत में YouTube को आपके एल्गोरिथम या आपके कंटेंट के बारे में पता नहीं होता है तो वो आपके लिए करेक्ट व्यूअर नहीं पहचान पाता। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं आपके YT स्टूडियो के सजेशंस में वो हर 3-4 दिन के बाद में अपडेट होता रहता है और नए सजेशंस डालता रहता है। तो दोस्तों जब तक आपका कंटेंट आपके सही व्यूअर तक नहीं पहुंच जाता है तब तक YouTube उसे अपडेट करता रहता है और कभी ना कभी आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग उसे परफेक्ट व्यूअर मिल जाता है। और दोस्तों वही होता है आपका करेक्ट ऑडियंस कंटेंट मैच, और जब ये मैच हो जाता है तो आपके करियर का ग्राफ ऊपर की तरफ निकल पड़ता है। अब सवाल दोस्तों ये भी आता है कि आखिर हॉकी स्टिक ग्रोथ करे कैसे? तो दोस्तों किसी भी कंपनी के दो मेन डिपार्टमेंट होते हैं, एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और दूसरा होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। यहाँ पर दोस्तों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मतलब आप हैं और मार्केटिंग डिपार्टमेंट है यूट्यूब। तो दोस्तों आपका जो काम है उसमें आपको बेस्ट देना है, बाकी मार्केटिंग का काम यूट्यूब के ऊपर छोड़ देना है। तो दोस्तों आपका क्या काम है कि आपको अच्छा कंटेंट, अच्छा वीडियो और अच्छी क्वालिटी मेंटेन करनी है, बाकी मार्केटिंग का काम आप यूट्यूब पर छोड़ दें। क्योंकि जिस दिन उसे आपके लिए राइट कस्टमर मिल जाएंगे उस दिन आपका यूट्यूब पर ग्रोथ होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, बशर्ते आपके वीडियो में क्वालिटी होनी चाहिए।